हाफ लीटर फुल क्रीम मिल्क, एक कप कोकोनट पाउडर, एक कप मिल्क पाउडर, हाफ कप शुगर पाउडर, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। फिर इसमें फूड कलर ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने येलो कलर यूज़ किया, आप चाहे तो कोई और भी कलर यूज़ कर सकते हैं। अब इसे कंटिन्यू चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे जब तक ये थिक नहीं हो जाता है। कंटिन्यू चलाते रहेंगे और हमारा ये मिक्स काफ़ी थिक होने लगा है। आप चाहे तो इसकी बर्फी भी जमा सकते हैं, मैंने इसके लड्डू बनाए हैं। अब थोड़ा सा मिक्स लेंगे और इसे लड्डू की शेप देंगे। ये देखने में बिल्कुल मोतीचूर के लड्डू जैसे लग रहे थे और खाने में तो थे ही बहुत टेस्टी। आप इसे ज़रूर से ट्राई करें और ये फटाफट से बन जाते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, खाओ पियो ऐश करो, हैप्पी दिवाली इन एडवांस, एंजॉय। हेलो दोस्तों, एक कप मिल्क पाउडर, एक कप कोकोनट पाउडर, हाफ कप शक्कर पाउडर, दो चम्मच घर की फ्रेश मलाई, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका एक स्मूथ डो लगा लेंगे और इसे हाथों से अच्छे से चिकना कर लेंगे जब तक कि ये स्मूथ नहीं हो जाता है। उसके बाद हम इसके छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे, उन्हें रोल का शेप देंगे। आप चाहें तो इस पे वर्क भी लगा सकते हैं और ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसको सिंपल ही रखा है, ये खाने में बहुत अच्छी लगती है। नॉर्मली मिठाई जो हम बाज़ार से लाते हैं या फिर घर पे गैस जला के बनाते हैं, उनसे इसका टेक्सचर बहुत अच्छा था और सबको बहुत पसंद आई थी। आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना, ये आपको बहुत पसंद आएगी और खाने में बहुत अच्छी लगेगी। अब इसके छोटे छोटे पेड़े बनाकर रोल का शेप देंगे और फिर इसे शक्कर में कोट कर लेंगे और ये हमारी मिठाई बन करके तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। खाओ पियो ऐश करो।